हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त रॉय एंड मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला सिद्धू मूसेवाला सर की फाइनल एपिसोड और अगले पार्ट में आपको दिखाया था इसका क्लोज करके और हैंड में जो टेक्सचर सब कुछ टैटू वगैरह है उसको मैं करके दिखाया था। तो उस पार्ट पर आपको मैं बताया था कि क्लोथ्स पे और भी काम बाकी है, तो वो काम मैं नेक्स्ट पार्ट पर लूँगा। तो आज ही इस फाइनल एपिसोड में इस ड्राइंग को मैं फ्रीज करने वाला हूँ। तो क्लोथ्स में जो काम बाकी है उसमें आपको करके दिखाऊंगा वीडियो को चले के दौरान। और आप बैकग्राउंड देख सकते हो, रेफरेंस पिक आप डाउनलोड करें तो आपको जो बैकग्राउंड है पूरा व्हाइट है। तो उस व्हाइट बैकग्राउंड को मैं अपने हिसाब से पेंसिल सेट करूँगा लाइट टू डार्क, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को आप स्किप मत करिए, एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो को चले के दौरान आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो आपको ड्राइंग में बहुत हेल्प करेंगे। और इस सिद्धू मूसेवाला पोर्ट्रेट सर की और भी पार्ट मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, जो फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है। तो उस सारा पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर एक लाइक कर दो, क्योंकि आपको एक सेकेंड लाइक करने से इस सारा ट्यूटोरियल वीडियो मेरा लाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, और चलो इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चारकोल मैंने यूज़ किया था वो पाउडर फैल गया था, इसीलिए उस जगह को मैं इरेज कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने अब स्टार्ट कर दिया जो क्लोथ्स में जो और भी थोड़ा काम बाकी था। तो जो आप हाईलाइट पार्ट देख रहे हो, तो रेफरेंस पिक आप डाउनलोड किए हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर एकदम से हाईलाइट है और कुछ कुछ जगह पे हल्का फुल्का शेड है। तो उस शेड को मैं कर रहा हूँ देखकर। और यहाँ पर मैंने रेफरेंस इमेज नहीं दिया है, क्योंकि आपको मैं बताया था रेफरेंस पिक आप नहीं डाउनलोड कर लिए तो डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस पिक नहीं दिया है, मैं खुद के हिसाब से कर रहा हूँ जो मुझे लगेगा। और जो मेन पार्ट था क्लोथ्स का वो मैं अगले पार्ट पर आपको दिखाया था, तो उस पार्ट को आप नहीं दिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक चेक करो, आपको मिल जाएंगे उस वीडियो का लिंक। और यहाँ पर मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ तो उसको उखाड़ने के लिए मैं इस पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे का जो पार्ट है उसको मैं कर दिया हूँ ऑलरेडी। जो यहाँ पर मेरा जो ओवरऑल जो ड्राइंग है था, फेस आँख नाक मुख सब हैंड, वो मैं कवर कर दिया हूँ। और इसके बाद मैं करूँगा बैकग्राउंड पार्ट, और बैकग्राउंड पार्ट में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड एकदम से वाइट है, तो उस वाइट बैकग्राउंड को मैं अपनी सबसे लाइट टू डार्क सेट करूँगा। और यहाँ पर मैं जो चेन है तो उसको मैं फिर से वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि चारकोल फैलने से वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, उसको फिर से अच्छे से वाइट कर रहा हूँ। और एंड में सब कुछ ब्लेंड कर दे रहा हूँ जो क्लोथ्स का जो टेक्सचर है वो उसको सॉफ्ट दिखाने के लिए। तो अब मैं बैकग्राउंड पे काम स्टार्ट करूँगा। तो बैकग्राउंड पे आपको बता देता हूँ कि आप जब बैकग्राउंड करेंगे तो आपको लाइट टू डार्क हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डार्क मतलब जो लाइट कम पड़ रहा है तो लेफ्ट एरिया, तो उस लेफ्ट एरिया को मैं थोड़ा डार्क करूँगा और राइट एरिया पे थोड़ा लाइट करूँगा। तो इसके अब से आपको मैं कंप्लीट बैकग्राउंड करके दिखाऊँगा। और बैकग्राउंड करने वक्त मैं ग्राफिट पाउडर भी यूज़ करूँगा, क्योंकि ग्राफिट पाउडर में ब्लेंडिंग सब जो बैकग्राउंड आप करने चाहते हो बहुत सॉफ्ट होता है। तो हर ड्राइंग में आपको बैकग्राउंड सॉफ्ट नहीं दिखना चाहिए पड़ता है, आपको रेफरेंस के हिसाब से करना पड़ता है। आपका ड्राइंग यदि थोड़ा सा डार्क है तो आपको लाइट टू डार्क सेट करना पड़ता है, लाइट की वैल्यू कम ज़्यादा रखना पड़ता है। और आपका ड्राइंग लाइट है तो आपको बैकग्राउंड डार्क करना पड़ता है। तो आप बैकग्राउंड को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड को करने के लिए मैं क्रॉस हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस हैचिंग करने से जो लेयर बढ़ती है वो स्पीड से होता है। और क्रॉस हैचिंग क्या है तो आपको नहीं मालूम, तो उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो आप देखें बैकग्राउंड को मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपको मैं आगे और भी बातें बोलूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, स्किप मत करो।
तो यहाँ पर मैंने ग्राफाइट जो पाउडर मैंने में किया था उसको मैं यूज़ कर दिया हूँ लेफ्ट पार्ट में, और इसको मैं डार्क करूँगा, और जो राइट पार्ट है इसको आप देखेंगे मैं लाइटली छोड़ दूँगा, और यहाँ पर मैं सेट करूँगा हल्की सी। तो यहाँ पर मैं ग्राफाइट पाउडर यूज़ करके ब्लेंडिंग ब्रश से सेट कर रहा हूँ, और बीच बीच में टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड स्मूथ मुझे दिखाना है, तो इसीलिए मैं स्मूथ कर रहा हूँ। तो अब मैं ऊपर के जो बैकग्राउंड है उसको सेट कर रहा हूँ, और राइट पार्ट पे आपको मैं लाइटली करके दिखाऊंगा क्योंकि इस पार्ट पे लाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस पार्ट पे मैं आपको लाइटली सेट करके दिखाऊंगा बैकग्राउंड। तो अब भी जब आप कोई ड्राइंग कर रहे तो उसमें आपका ड्राइंग ज़्यादा डार्क है तो आपको बैकग्राउंड लाइटली छोड़ना है और आपको लाइट टू डार्क सेट करना है। तो बैकग्राउंड में ये आपको समझ होनी चाहिए, लाइट कौन डायरेक्शन से आ रहा है आपको समझना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैं लाइट टू डार्क, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते जाओ और आगे मैं और कुछ बातें बोलूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड पार्ट आपको दिखाना था मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे दोस्त, और इस सिद्धू मूसे वाला पोर्ट्रेट की और भी पार्ट है तो उस पार्ट को अभी तक आप नहीं देखते प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उस सारा पार्ट को आप देखेंगे तो आपको इस ड्राइंग का जो एपिसोड वाइज आपको मैं समझाया हूँ हर एक पार्ट, तो आपको ओवरऑल सब कुछ समझ आएंगे। तो प्लीज़ उस सारा पार्ट को देख लो, और इस तरह से ट्यूटोरियल वीडियो मैं और भी लाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ काटे रहो, और मैं हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ड्राइंग वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आर्ट में ग्रोथ होने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल के साथ प्लीज़ काटे रहो, तो आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग लिस्ट मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को बहुत अच्छा लगता है वीडियो पर लाइक कमेंट करके आपका फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर सकते हैं जो आर्ट में ग्रोथ कर रहे। तो मिलते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यू ड्राइंग लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इंप्रूव, एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, एंड बाय।